क्या बोला? सिक्सटी फाइव में बाबा आते हैं। सिक्सटी फाइव में बाबा आते हैं, सिक्सटी नाइन में प्रजापिता। प्रजापिता कब आते हैं? वो जब एक शेर शरीर छोड़ देता है जंगल में, तब दूसरा शेर आता है। जंगल जो है कभी शेर के बगैर खाली नहीं रहता, और एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है, दूसरा शेर नहीं, दो दो शेर नहीं रहेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, कौन सकता है? तो दूसरा राम वाली आत्मा शंकर का रूप धारण करके आ जाए, उससे पहले कृष्ण वाली आत्मा मृदुल मीठा पाठ बजाने वाली, माँ का पाठ बजाने वाली ब्रह्मा बन के आता है। अठारह जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा, उसी साल तीन मूर्तियां है ना, तो सौ साल है संगम युग के, ज्यादा से ज्यादा तो तीस तैतीस साल का ही तो टाइम हुआ है। तो ब्रह्मा बाबा ने जब तैतीस साल पूरे हुए, तब 69 18 जनवरी को उनके तैतीस साल पूरे हुए, फिर छोड़ दिया। और दूसरी मूर्तियों का हिस्सा नहीं होगा, तो दूसरी मूर्ति 69 से लेकर के और 30 35 साल उसका भी टाइम है, फिर धीरे धीरे वो भी अब्जेक्ट हो जाती। क्या जो अव्यक्त बच्चे होते हैं, अव्यक्त स्टेज बनाने वाले, उनके साथ संपर्क रहता है, संबंध बना रहता है, बुद्धियोग जुटा रहता है। और जो इतने साल से बाबा कहते हैं अव्यक्त बनो अव्यक्त बनो, बनते ही नहीं, अपने दुनियादारी के राम रहना में ही लगे हुए, साकारी दुनिया में ही लगे हुए, बाल बच्चों के संभाल में लगे हुए। तो फिर बाबा बाबू कहते हैं कि तो ज्ञान ही नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनने का है। नष्ट मोहा बनेंगे तो भगवान को अपने नजदीक अनुभव करेंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। क्या ज्ञान देना एडवांस ज्ञान? हाँ शुरू तो हुआ, लेकिन वो निमित्त बनी हुई आत्मा 69 से ही यज्ञ में आ जाती है। 69 से ही यज्ञ में आती है, और उनका जो पार्ट है वो 33 साल उनका भी चलता है। सबके दुनिया के सामने प्रत्यक्ष तो होना चाहिए, तो होता है। फिर तीसरी मूर्ति तीसरी मूर्ति वैष्णव गई, वैष्णवी शक्ति सच्ची गीता। क्या सच्ची गीता वो भी आती है वैष्णवी देवी, सबसे ज्यादा मेला बड़ा किसका लगता है? वैष्णवी देवी। प्रवेश करते ना पार्वती में छोटी मम्मी, छोटी मम्मी में प्रवेश करती है, बड़ी मम्मी ब्रह्मा बाबा वो जगदम्बा में प्रवेश करता है। जगत पिता और उसके साथ जगदम्बा, जगदम्बा मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो जगदम्बा बनना लक्ष्य नहीं है नारी से, नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी है भारत माता और जगदम्बा है सारे विश्व की माता। सारे विश्व में राक्षस भी हैं और देवात्माएं भी हैं, दोनों की अम्बा दोनों को गोद में पालती है। जवाब त्रेता के अंत में 33 कोटि देवता बताते हो? एक बार बताते हो 10 करोड़? त्रेता के अंत में कभी नहीं मुरली में बताया है कि 33 करोड़ देवताएं होते हैं। मुरली में यही बताया है कि त्रेता के अंत में 9-10 करोड़ होते हैं। क्या
33 करोड़ हर धर्म की आत्माएं अंत तक आती रहती है। अभी भी देवता धर्म की आत्माएं आ रही है, ऐसे नहीं नहीं आ रही है, आ रही है। आज की दुनिया में भी तो ऐसे लोग देखे जाते हैं, ऐसे परिवार देखे जाते हैं कि पूरा परिवार मिलकर के इकट्ठा होकर प्यार से रहता है। क्या ऐसे परिवार नहीं आज लोप नहीं होता है सनातन धर्म का? एक कंट्रोलर पूरे परिवार का जैसे भगवान बन के बैठा हुआ हो, क्या उसकी बात को कोई नकार नहीं सकता? इतना कंट्रोल पक्का होता है। जैसे सत्यु के आदि में एक राजा, एक धर्म, एक मत, एक भाषा, ऐसे तो सनातन धर्म की आत्मा, देवता धर्म की आत्मा अभी भी उतर रही है ऊपर से। उनमें से 8-10 करोड़ ऐसी है जो देवता कही जा सकती है पक्की। 23 करोड़ ऐसे हैं, 23 करोड़ बोलते हैं ना, 33 करोड़ देवताएं हैं, देवात्माएं है। और वो 33 करोड़ देवात्माएं जो है वो भगवान से ज्ञान भी लेती है, स्वीकार करती है। बाकी जो है वो तो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो तो आएंगी तो आप इनसे। बेसिक में सुना था कि वो अंत में भारत देश को मिलते और एक अपने कब्जे में लेते हैं। सबसे बड़ा से बड़ा रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन बताया मुरली में? शंकर रूहानी मिलिट्री का मार्शल है, तो अपने कंट्रोल में लेगा कि नहीं लेगा? उससे बड़ा मार्शल, उससे बड़ा रूहानी मिलिट्री का बड़ा ऑफिसर तो कोई है ही नहीं, है ही नहीं, है ही तुम बच्चे हो अंडरग्राउंड मिलिट्री, अननोन बट वेरी वेल नोन बाय योर माना कोई जानता नहीं है तुम कौन हो, लेकिन आखिर में तुम प्रत्यक्ष हो जाओगे। 9 लाख सितारे जो है आसमान में उनकी स्टेज में चमकेंगे। सारी दुनिया में जब विनाश हो रहा होगा, सारी दुनिया हाहाकार कर रही होगी और तुम आराम से ज्ञान सुना रहे हो। तुमको कोई भय नहीं है, बाबा की मस्ती में रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, मस्ती में रहेंगे, नारायणी नशे में रहेंगे। हमें नारायण मिल गया। पूछ लो कब आना होता है। ये एक ही सभा ऐसी है क्या जहाँ जहाँ कहा जाता है सभा से कि जो पूछना हो सो पूछ लो मैदान में, पूरी सभा के बीच में? वो गुरु लोग नहीं मौका देते हैं क्या? नहीं, वो गुरु लोग मौका देते हैं अपने पास लेकर, ना बाहर की दुनिया के गुरु लोग मौका देते हैं और ना ब्राह्मणों के अंदर की दुनिया के गुरु लोग मौका देते हैं। भले कितने भी बड़े मठ पंथ बना के बैठे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के बैठे हो, और बाबा देखो कहाँ बैठता है, झोपड़ी में। बाबा झोपड़ी में पापा को मिलने झोपड़ी में। इसलिए जो पूछना हो अंदर कोई बात अटकती हो बाबा, सच्ची जो है सच्ची है कि शंकर की पत्नी क्या है क्या आनी अभी खुल के अपनी बात इनको समझा दो। शंकर का अपमान किया था बाबा ने, तिने हे त्याग केला असं दाखवलंय। अपमान केला तिच्या बापान, बाप ने शंकर का अपमान किया। तो अब देखो जब राम वाली आत्मा चाहे शंकर वाली आत्मा कहो वो ज्ञान में आती है ना, ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद आती है ना, तो यज्ञ के आदि में वो आत्मा छोड़ के आई थी ना यज्ञ, गए नहीं ना, अलग को मिला अल्लाह, दे को मिली बात सही, आई तार अल्लाह की हुआ इलकारा ही।
तो यज्ञ के आदि में कौन सी आत्मा की ये बात लागू होती है जिसको अल्लाह मिल गया, मस्ती में चला गया, वो आत्मा चली गई। और बाकी सब धर्म की आत्माएं जो सब धर्मों से खींची गई है ब्राह्मण बनी आकर के, ब्राह्मण कोई एक पुरी के नहीं होते हैं, नौ पुरियों के ब्राह्मण होते हैं, माने सब धर्मों की आत्माएं खींच करके यज्ञ में आ गई। उनमें से सूर्यवंशी राम और उसके फॉलोअर्स चले गए क्या, और बाकी सब बच्चे अम्मा की गोद में पलते रहे। तो सब है आदो इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन चंद्रवंशी सारे के सारे यज्ञ में रहे पड़े हैं। अभी सूर्यवंशी चले गए क्या, समझ में आ गया। और 69 में भी जब वो आत्मा ज्ञान में आती है तो उसको धक्का मिलता ही नहीं है, उसको ही नहीं, उसको फॉलो करने वाले जो भी होते हैं उन सबको सबको धक्का मिलता है। तो पार्वती के बाप ने यज्ञ रचा, जो यज्ञ रचा उसने शंकर को अपमान कर दिया, कर दिया ना। तो पार्वती ने क्या किया, अपना शरीर स्वाहा कर दिया, यज्ञ कुंड में शरीर नहीं स्वाहा करने की बात है, देह अभिमान सारा स्वाहा कर दिया। माने कोई ब्रह्मा कुमारी ऐसी भी है यज्ञ के अंदर जिन्होंने अपना सारा देहभान यज्ञ के अंदर गलाई दिया, देहभान का नाम निशान नहीं है उनके अंदर, उनमें से कोई ऐसी निकलेगी जिसकी ये प्रतिज्ञा है, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बनो बरो शंभु न तो रहो कुमारी। ये जन्म जन्म के लिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं या तो शंकर जी को वरण करूंगी या तो मैं जन्मारी कुमारी हूँ। मैंने उसका एक आत्मा ऐसी संसार में है 500-700 करोड़ के बीच में जिसका 84 जन्म में एक के साथ संबंध जुड़ता है, पति पत्नी की, पति पत्नी की रूप में, और किसी दूसरे के साथ व्यभिचार वो आत्मा व्यभिचारी नहीं बनती, इसलिए उसमें इतनी ताकत होती है कि भारत जो आप पहली अव्यक्तवाणी में बोला भारत माता श्री शक्ति अवतार अंत का यही नारा है क्या, वो भारत माता के रूप में जब निकलेगी तो उन्होंने बोला एक शहद की मक्खी निकलती है तो उसके पीछे पीछे सारी ब्रह्म कुमारियां पीछे पीछे निकल पड़ेंगी। वो है पार्वती, देवान खनराज किया होगा तब तो निकल पड़ेंगे, नीचे का पड़ा तो सेंटर है ना, वहाँ जाने सेवा के लिए जाने की इच्छा आपकी, आपका देवान बिल्कुल खराब हो गया तो जरूर जाइए। अगर आपको ऐसा लगता नहीं लगता है वो धक्का दे देंगे, अभी एक बार दीजा तो बाबा ने कहा जो बरसों पे बरस जाएगा। अच्छा बात क्या है, देखो लौकिक दुनिया में हम थे, हमें ब्रह्मा कुमारी आश्रम से ज्ञान मिला, हमको भी मिला आपको भी मिला, मिला तो ना, तो हमने क्या लौकिक दुनिया वाले को छोड़ दिया था, लौकिक दुनिया वालों ने हमसे दूर 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 किया ना, वहाँ लौकिक दुनिया वालों ने भी तो धक्के दिए ना, तो क्या हमने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था, लौकिक परिवार ने नहीं छोड़ा ना। तो ऐसे ही यहाँ तो हम ब्रह्मा की औलाद बने हैं साक्षात में, अलौकिक परिवार के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने ना, तो हमारे अंदर ये भावना नहीं आना चाहिए कि हम उनको छोड़ दें। उन्होंने धक्का दे दिया कोई बात नहीं, दे दिया दे दिया, बच्चा होता है माँ बाप घर से बाहर निकालते हैं, छोटे बच्चा होता है निकालते हैं फिर अंदर ही आता है ना, बच्चे के अंदर देवभाव नहीं है, काम क्रोध लोग वो अहंकार नहीं है, तो बार बार बाहर बाहर से अंदर आ जाते। हमें अंदर से ये भाव नहीं रखना है कि उन्होंने हमें धक्का दे दिया, हमें समझना चाहिए उन्होंने हमें धक्का दे दिया माने हिसाब किताब पूर्व जन्म का कोई था वो पूरा कर लिया, हम पिछले जन्म में राजा बने थे, राजा में से कितना अहंकार होता है,
निकलो हमारे देश से बाहर निकलो, हद हमारी राजधानी हमारे राज्य के हद से बाहर चले जाओ, सीमा से बाहर चले जाओ। निकाल देते थे कि नहीं, राज्य से बाहर निकाल देते। तो पूछ रहे तो कोई हिसाब किताब होगा, इन्होंने हमसे पूरा हाँ, अब राज्य तो है नहीं, वो आश्रम की चार दीवारी है, वो भी भीख मांगी हुई ऐसा पूरा हो गया। मतलब अपने को डाउन नहीं करना चाहिए, ठीक है, बहुत से डाउन हो जाते हैं। हमारे सब युगल जो है पढ़ाई नहीं पढ़ते है, जितने भी युवा है सबके आज आज सब बैठे आज सब बैठे तो पढ़ाई नहीं पढ़ते। आप कैसे कह दिया कि नहीं पढ़ाई पढ़ते, कुछ असर पड़ा होगा तभी तो। उनको ये है, हम सन्मुख बैठा करें तुमसे जो पढ़े, तुम पढ़ाते हो गुरु झंडा लेके वैसा करो वैसा करो वैसा, हमारी बात मानो, हमें भगवान पढ़ाता नहीं है, तुमसे क्यों पढ़े, भगवान से पढ़ाई पढ़ रहा है ऐसे कैसे कह सकते हो पढ़ाई पढ़ते नहीं है। आप टैप रिकॉर्ड लगा के बैठते हैं तो टैप रिकॉर्ड तो घर में बैठे हैं सुनते ही बैठते हैं आप, तो ऐसे होता नहीं कि बैठे नहीं बोल के बैठते हैं तो वो सुनते भी हैं देखते भी हैं। ये बहुत ऐसे है भागने वाली है, कौन भागने वाली है, बहुत ऐसा है कहाँ भागने वाली है, रास्ता बता दीजिए आगे रास्ता हम पीछे उसके वैसे बाबा ने वरदान दिया है, अव्यक्त वाणी में ही वरदान दिया है कि जो भी एडवांस में चल रहे हैं उनका पूरा का पूरा परिवार जाने का हमारा निश्चिंत हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं उनके साथ गुस्सा करना है या उनके संबंध तोड़ देना है या उनको दूर दूर करना है, तुमने छू लिया भाई रोटी हमने खाई। जैसे स्कूल होता है, स्कूल में कोई बच्चा शुरुआत में ध्यान नहीं देता पढ़ाई लिखाई, जब समझदार होता है तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं। कोई कोई होते हैं ज्ञान से उठते हैं और कोई कोई ऐसे होते हैं जो प्यार से उठते हैं, पहले उन्हें प्यार चाहिए बाद में उनको ज्ञान चाहिए। कोई ऐसी आत्मा पहले उनको ज्ञान चाहिए बाद में उनको प्यार चाहिए, कोई ऐसे होते हैं प्यार भी चाहिए ज्ञान भी चाहिए, दोनों भी चाहिए। हाँ तो साथ सच्चा जोड़ी जोड़ी है, जिंदगी का एग्रीमेंट किया है साथ साथ निभाने का, निभाना चाहिए। बाबा के बच्चों का पाठ अच्छा नहीं हो तो किसका अच्छा होगा, इब्राहिम के बच्चों का अच्छा होगा नहीं, नहीं। बोलो शिरडी साईं बाबा जी दिखाते हैं ना, माँ बाप भी नहीं दिखाते उनका चमत्कार दिखाते हैं, दिखाने वाले दिखाते हैं चमत्कार जो है, चमत्कार जो था चना बाजे धना, जो चना अंदर से खोखला हो जाता है ना कीड़ा खा लेता है वो बहुत बचता है। ऐसे ही जो खाली गगरी होती है ना पूरा पानी नहीं भरा हुआ है तो ज्यादा छलती है, तो इतना पानी निकालता है। जितने गुरु लोग हैं वो कोई भगवान का रूप नहीं है, वो भगवान बन करके भले बैठे हैं लेकिन कोई स्वर्ग नहीं बना सकते। क्या पहलवानी आचार्य कितनी भी बढ़िया बना दे देखने में ये आएगा अरे सही यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है, तो स्वर्ग है माया का पम्प एंड शो। जब जब जमीन हिलेगी एटम बम फटेंगे तो ये सब रेल बैल हो जाएंगे, ये मंदिर है मस्जिद है गिरजाघर है गुरुद्वारे ये सब चलने लग पड़ेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। क्या
हाँ वो होगा सत्य साईं बाबा। ये तो दो दो निकल पड़े। अरे दो दो भगवान थोड़े ही होते हैं, साईं बाबा एक बड़े बड़े बाल वाला वो भी साईं बाबा। साईं बाबा खूब सत्य साईं बाबा है, ये दिखाते हैं भगवान बहुत दिखाते हैं वो भी एक है। ये सब दिखावा करने की लिया दरकार है पर एक बहुत नहीं जंगल में जाने देते हैं। हम तो समय रहा आशीर्वाद भगवान का होता है, बड़का होता है मनुष्य की ज्यादा वैल्यू है या मच्छर की ज्यादा वैल्यू ज्यादा वैल्यू जो ज्यादा वैल्यू वाले उसको आपने बचा लिया और जिसकी वैल्यू नहीं है उसको खत्म कर दिया। बाबा भी कहते मच्छर और सदर से ले जाऊंगा माने जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारा सारा देह अभिमान खराब कर दूंगा। क्या मच्छर को क्या दे रहे आगे बैठा और पट से मार दिया। कोई वैल्यू है जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं, ऐसे तुम देवान में ऐसे आत्मा अभिमानी बन जाओ कि तुम्हारी कोई वैल्यू अपने अपने अंदर ना अनुभव हो। कुछ बिल्कुल देवान आए ही नहीं, हम इतने बड़े हैं, हम ये है, हमारे पास इतना पैसा है, कुछ नहीं। जय हनुमान नाम की नाम निशान की चीज न रहे, माना मत करो सर ऐसे जब बन जाओगे तब ले जाऊंगा। तो मच्छर मारने ठीक है, अगर नहीं मारेंगे और उसने काट लिया और मलेरिया हो गया तब देखो तुम्हारी जान है तो भगवान को याद कर सकोगे सच्चे रूप को, और मच्छर को याद नहीं कर पाएगा। वो याद करेगा क्या, वो ज्ञान देगा क्या, भूत बन पाएगा क्या? और तो सती उतरेता में मच्छर आते भी नहीं, सती उतरेता में मक्खी मच्छर नहीं होंगे, गंद करने वाले काटने वाले कोई प्राणी नहीं होंगे। मनुष्य सुधरता है तो सात प्राणी सुधर जाते हैं। एक पाल भी होते उसको हम तो खोपा के घर है वो अपने टाइम पर सुधरेगा। छिपकली वहाँ कुछ नहीं होंगे ऐसे नहीं, हम आते हैं नगर में प्याज के पीछे रहते वो अच्छे नहीं ना, तो मारना नहीं विश होता है ना, वो मारते तो पाप हो जाएगा। लेकिन वो जो जो कीड़ा है, जो कीड़ा खाने वाला जानवर है, वो कभी कभी छत में होता है, दूध रखा हुआ गिर गया, तुम्हें पता ही नहीं चला और तुमने पी लिया या बच्चे ने पी लिया, नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये इनको मारने से कोई इतना ज्यादा पाप नहीं बनता है, एकदम जैनी भी नहीं बनना है। बावन क्या बताए सुना, जैनी नहीं बनना है, जैनी नहीं बनना है। वो क्या करते हैं वो मुंह में पत्ता बांध लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नंगे पाँव चलेंगे, मंजन नहीं करेंगे, मंजन नहीं करेंगे, कहीं दांत के कीड़े न मर जाए थोड़ी। उनकी भी मान्यता है मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। अगर उनकी बुद्धि में से ये बात निकल जाए कि मनुष्य का जन्म मनुष्यों में ही होता है तो उन्हें समझाया जा सकता है कि कीड़े मकोड़ों को जो तुम मारने का वो इतना अहिंसा परम धर्म दिखा रहे हो। हाँ इसका ये अर्थ जरूर है, इतना अर्थ जरूर हम लगा सकते हैं कि कीड़े मकोड़े जैसा पार्ट बजाने वाले, कीड़े मकोड़े जैसा जो पार्ट बजाने वाले हैं मनुष्य जो ज्ञान में पक्के चलने वाले हैं उनकी उनको समान समान दे रहे हैं। इनमें ज्ञान ज्यादा है हम समझते हैं ये ऊंचा पद पाने वाले हैं तो उनको उनको रिगार्ड की दृष्टि से रिगार्ड देना चाहिए। वो हमारे लिए जैसे कि बड़े हैं, ज्ञान जिसमें कम है ही नहीं तो जैसे कीड़े मकोड़े नहीं बने। अच्छा ओम शांति, ओम शांति माता जी को भूख लग रही है। नहीं नहीं बाबा बाबा को भूख लग रही है, बाबा जाने वाले हैं, माता जी का पेट पूरा भर गया है। सुबह से भूख नहीं लगी है, कब से ज्ञान में नहीं आते हैं। जैसे अभी चढ़ भाई है बंडा भाई है तो अपने बताया था कि प्रजापिता के साथ रहते हैं,
जरूर रहे होंगे तब तो उनके अंदर एडवांस नॉलेज इन्होंने पकड़ ली। दीदी दादियाँ इतने दादा हैं, पुराने पुराने हैं, कितने पुराने चल रहे हैं ज्ञान में, और वो एडवांस नॉलेज नहीं पकड़ पा रहे हैं, और इन्होंने पकड़ लिया। जी भाई बीके में भी नहीं गए, क्या बात नहीं है, बीके में भी नहीं गए, पकड़ ली, क्या बात हो गई। उनके अंदर पूजन के संस्कार है, राम वाली आत्मा के साथ है, वो स्वभाव संस्कार होने की वजह से ज्ञान को कैच कर दिया। लेकिन उनको ज्ञान अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हमारे पूर्व जन्म का संस्कार है, हमारा जन्म कैसे करते हैं, हमारा कैसे करते हैं, वो पूछ रहे हैं हम आदि में कैसे ज्ञान लिया, कैसे ज्ञान लिया, अच्छा लिया आपने, आप बीस में है, माता जी की उम्र है ना, ज्यादा है तो माता जी की उम्र तो उम्र ज्यादा है, अभी अगले महीने में 75 संख्या में सब ज्ञान शुरू भी नहीं हुआ था, यज्ञ शुरू ही नहीं हुआ था उस समय, 31 लाख के संसार बहुत काम करते हैं, कोई आत्मा तो सुनने मात्र से ही खींची चली आती है, दो शब्द सुनते हैं ये कैसे आत्मा है, आत्मा वो बहुत अच्छे हैं, एक्सीडेंट सुना इसका, इसका एक्सीडेंट सुना भाग्य एडवांस में एकदम हाई जंप कंपनी में, एक रफीउल्ला मास्टर है, रफीउल्ला भाई वो ऐसे तो हमारी स्कूल में ही पढ़ते रहे और 8-10 साल ज्ञान भी चलता रहा कंपनी में एडवांस, लेकिन जिस दिन उन्हें ज्ञान सुनाया शुरू किया वह उस दिन से उन्होंने आश्रम में जाना शुरू कर दिया, तो शुरू कर दिया कहीं छोड़ा ही नहीं, सिर्फ बाजार में सब्जी लेते समय उन्हें थोड़ा बताया, थोड़ा सा खड़े खड़े ऐसे बताया और चटक पड़े, ये क्या है, पूजन का संस्कार नहीं क्या है, कोई कोई ब्रह्मा कुमारों कई साल की चलने वाले ब्रह्मा कुमारों को और कई कितने साल हो गए उन्हें मुरलियां पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते और उनको सुनाओ तो कितने जरहबाजी करते हैं, ठीक है। उसकी बात मानते हैं, ऐसे गौला मुरले में राम बाप का बात मानते हैं, उसका बात अच्छा लगते है, लेकिन धारणा में कोई इंसान में फेल हो जाता है तो किसका कर्म का गिनती मानते हैं। हर धर्म में धारणा में फेल होने वाले भी है, धारणा में पास होने वाले भी है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें अच्छे लोग नहीं है, जो फेल होने वाले हैं वो प्रजा में चले जाएंगे, उस धर्म की प्रजा में चले जाएंगे जिसको फॉलो करेंगे, और पास होने वालों की लिस्ट में होंगे तो उस धर्म में ऊंच पद पाएंगे। हाँ जी बारह ज्योतिर्लिंगम को, हाँ मान्यता देते क्योंकि सूर्यवंशी 12 आत्माएं हैं,
उन 12 आत्माओं के द्वारा शिव बाप विशेष कार्य कराते हैं। इसलिए नाम रखा जाता है ज्योतिर्लिंगम शिव, सभी ज्योति के लिंग है और शिवलिंग है। कल्याणकारी है। रावण है ना, वो पार्वती माता है मंडोदरी को वरदान दिया है, तुम सौभाग्य हो राम शास्त्र जलते तब तक जलते हैं तब तक तुम सौभाग्यवती है। वो बोला रावण को दिखाते हैं, रावण जब तक दीपा जलता है रावण का तब तक तुम सौभाग्यवती रहोगी करके गीता जी तक वो पार्वती ने पता नहीं जब तक रावण की चिता जले तब तक रावण जलता है, है? रावण जलता है तब तक सौभाग्य। और रावण जब जलना बंद हो जाता है, है? तब दास दासी बन पड़ती है, है? अभी अभी तो मुरली में बताया कोई तो दास दासी बन पड़ते हैं पहले पहले जन्मों में, बाद में जाकर के ऊंच पद पाते हैं। कहते भी हैं मीरा दासी, कहते भी हैं प्रकृति दासी। जो रावण के 5 मुख दिखाए जाते हैं, स्त्री मुख, बाबा की भाषा में पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये 5 स्त्री मुख हैं। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 पुरुष मुख हैं। तो जो स्त्री मुख हैं उनको कहा जाता है प्रकृति, और जो पुरुष मुख हैं उनको कहा जाता है माया, माया भी मुख। तो माया और प्रकृति, नई दुनिया बनेगी तो ये दोनों दास दासी बन जाएंगे या राजा रानी बनेगी, दोनों ही दास दासी बन जाएंगे। कब? जब रावण पूरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जब तक नहीं जलता है तब तक प्रकृति भी हावी होती है और माया भी हावी होती है। दोनों में ज्यादा बलवान कौन है? माया बलवान है या प्रकृति बलवान है? माया बलवान है, लेकिन जब प्रकृति माया के कंट्रोल में आ जाती है, रावण के कंट्रोल में आ जाती है, तो माया की ताकत दुगनी हो जाती है। जो काम खुद नहीं कर सकी, वो काम प्रकृति करके दिखाती है। प्रकृति जब डावाडोल होती है तो सारी मनुष्य शक्ति का संहार हो जाता है। प्रकृति तामसी बनती है तो बिना, प्रकृति जब सतो प्रधान बनती है तो नई दुनिया बन जाती है।
और धर्म अच्छा है पर धर्म बयान करना ऐसा बोला मुरली में तो एडवांस में सभी धर्म का चीज है ना तो सभी के लिए देवी देवता सनातन धर्म में स्वधर्म होता है जो जिस धर्म का होगा उसी धर्म स्वधर्म होता है। स्व माने आत्मा स्वधर्म निधनम से यह आत्मिक स्थिति में मरना यही श्रेष्ठ है। दूसरे जो धर्म है वो देहदारियों के द्वारा स्थापन किए हुए उनका बाप ही देहदारी है तो सब बाल बच्चे भी कैसे होंगे अंत तक देह अभिमानी होंगे। इसलिए और धर्मों में नहीं कहा जा सकता स्वधर्मे निधनम से है। अगर और धर्मों में स्वधर्मे निधनम से है होता तो यादगार में उन धर्मों में मृत्यु के बाद मिट्टी में न दबाया जाता। भारतवर्ष में जलाया जाता है मृत्यु के बाद। निधन निधन माना मृत्यु, मृत्यु के बाद जलाया जाता है माना नाम निशान खत्म कर दिया दे अभिमान का। और दूसरे धर्मों में जलाते नहीं है नाम निशान खत्म नहीं करते। दूसरे धर्म वाली जो आत्माएं हैं कुछ न कुछ उनमें देवान अंत तक बचा रहता है तो पर धर्म में चली जाती है। वहाँ जो स्वर्ग का मॉडल बनाया वहाँ बाप मौजूद नहीं था बनाने वालों के बीच में। और जो विष्णु के रूप है वो बाप मौजूद थे ओम राधे मम्मा भी मौजूद थी दोनों माताएं भी मौजूद थी और दादा लेखराज ब्रह्मा भी मौजूद था। मौजूद था माने वो फाउंडेशन डाल करके गई ब्रह्मा के साथ वो माताएं प्रजापिता के साथ नहीं गई जो गीता का भगवान कृष्ण बन करके बैठता है उसका साथ दे करके गई। और चौरासी जन्म में उसकी माँ एक की साथ रहती है ना है चौरासी जन्म में उसकी माँ पति के रूप में एक की साथ रहती है ना। हाँ जी हाँ जी कोई 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में एक आत्मा ऐसी भी तो होनी चाहिए जिसका पति पत्नी के रूप में कोई दूसरे के साथ संग न हो एक के साथ ही संगो। राम बाप तो बाप रहे थे दूसरे धर्म में वस्त्र देने के लिए जाते हैं ना तो तभी ज्यादा धर्म में कुमारी बन कर आते हैं बरम संभो न तरह कुमारी। हाँ जी और यात्रा में 5 पांडवों को दिखाया और उसका बड़ा भाई एक कर्ण का दिखाया उसको कर्ण कर्ण राम जी है पांडव कर्ण किसका पास जो कौरवों का साथ देता है 5 पांडव पंडे का साथ देते हैं भगवान का साथ देते हैं और जो कर्ण है वो दासी पुत्र बन पड़ता है इसलिए वो कौरवों का साथ देता है उसका नाम ही है कर्ण। सुनना सुनाना बहुत होता है वो भी कौरवों की सेनापति का वो सेना का सेनापति बनता है। कौरवों में जो महारथी है उनका नाम उनके बीच में कर्ण का विशेष नाम गाया जाता है। और तो पाठ किसका है बाबा पाठ नहीं बताते
बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख करके बाप दादा नहीं बता देंगे। जो जिसका पार्ट होगा वो अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मणा से, अपने व्यवहार से स्वतः ही अपने पार्ट को डिक्लेयर करेगा। और एक पुरुषार्थ होता है अर्पण होने का धक्का दे के कराया जाता है, उसको कहते हैं पुष्करण ही ब्राह्मण। और एक पुरुषार्थ होता है अपनी उमंग उत्साह से अर्पण हुआ जाता है। ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा हुआ? तो बोला है दिल्ली की माताओं ने उमंग उत्साह दे करके अर्पण कराने का कार्य किया, नहीं तो गीता के ऊपर अभी भी कृष्ण और पर ब्रह्मा की छाप है। भगवान का जो वर्तमान में जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है उसकी छाप दिल पर नहीं है। जिसके दिल पर भगवान की छाप होती है भगवान उसकी छत्र छाया मुआफिक सुरक्षा करता है घड़ी घड़ी। वो आत्माएं माया के चंबे में आ नहीं सकती। चाहे अफ्रीका के हवसियों के बीच में क्यों न सेवा करती रहे, तो भी माया उनका बाल बाका नहीं कर सकती। और किसी पेड़ या पौधे की जड़ें काट दो ऊपर के पत्ते उसी समय क्यों कुमलाने लगते हैं? उनमें भी जड़ तुम्हारी आत्मा है। मनुष्यों की तरह चैतन्य बुद्धि नहीं है, वो आत्माएं परम धाम में नीचे नीचे की ओर धरणी की ओर रहती है। मनुष्य आत्माएं बहुत ऊंची कोटि की है। जानवर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग ये सब नंबर वार बुद्धि का कमाल है। जो आत्मा बुद्धि में जितना ज्यादा तीक्ष्ण उतना धरणी से परे की स्टेज में निवास करेगी परम धाम में। बुद्धिमानों की बुद्धि जो भी आत्माएं मात्र हैं उन सब को क्रास करती रहती है, प्रजापिता को भी क्रास करके रहती है, परे से परे रहती है। और बाबा में जल होते है ना उसको दुख लगते हैं नहीं लगते? अरे क्यों कुमला जाता है? कोई मनुष्य है और मनुष्य को कोई ने भाला मार दिया, घाव कर दिया, तो उसके चेहरे में क्या परिवर्तन आता है? मुख से चीख निकलती है, आह निकलती है। क्यों निकलती है? दुख होता है। तो मास्टर का वो फॉलो करना है इसे बोलते हैं ना, फॉलो फॉलो कहते, और शंकर को फॉलो नहीं करना है ऐसे बोलते हैं। शंकर कोई पिता है क्या? पिता नहीं है, शंकर पिता है क्या? शंकर है। जब कहा जाता है तो तीन आत्माओं का शंकर है, तीन आत्माओं का मिश्रण है पार्ट में, शिव, राम
और कृष्ण, तो तीनों को फॉलो करना है या सिर्फ बाप को फॉलो करना है? वो भी कर्म के आधार पर फॉलो करना है या डायरेक्शन को फॉलो करना है? डायरेक्शन बाप का मानना है, कर्मों में फॉलो करने के लिए ब्रह्मा के द्वारा जैसे कर्म किए हैं, सहनशीलता पूर्वक जो कर्म किए गए हैं उनको फॉलो करना है। अभी धर्मराज बाप आया हुआ है सब कर्मों का वारा न्यारा करने के लिए, इसलिए सहन करना ही ज्यादा अच्छा है। सहन करना देवता धर्म की निशानी है। जो बाप के बच्चे होंगे वो संगम युग में सहन करके दिव्य गुण ऐसा धारण करके देवता बन करके दिखा देंगे। और लास्ट में नहीं होगा, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह करेंगे। ऐसे नहीं, ये लास्ट समर्पण समारोह है। गुजरात की कन्याओं को जब समर्पण किया जा रहा था उस समय अव्यक्त बाप दादा ने बोला कि ऐसे नहीं समझना, ये लास्ट समर्पण समारोह है। माना जो भी समर्पण हो रहा है वो संपन्नता की स्टेज वाला नहीं है, चाहे बेसिक नॉलेज में है और चाहे एडवांस नॉलेज में। कोई काम करे, संबंध जोड़े और संबंध जोड़ने के बाद अंत तक निभाता है तो नंबर बनता है, या संबंध जोड़ने के बाद बीच में कट कर देता है तो नंबर बनता है। यही बात गड़बड़ है। अगर अंत तक निभाए तो जगदम्बा भी लक्ष्मी बन सकती है। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकती है। अगर अंत तक नहीं निभा पाती, माया के चंबे में आ जाती है, माया की सहयोगिनी बन जाती है, तो जैसे दूसरी पाला में चली गई। लक्ष्मी पद कैसे मिलेगा? और मनुष्य जीवन का लक्ष्य शिव बाबा ने क्या दिया? नारी से लक्ष्मी, ये हमको लक्ष्य दिया है। नारी से जगदम्बा बनने का लक्ष्य नहीं दिया है। जगदम्बा जब कहा जाता है तो सारे जगत की अम्बा, माना देवताओं की भी अम्बा और राक्षसों की भी अम्बा। राक्षसों की माँ होगी तो राक्षसों को भी गोद में खिलाना पड़े, इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड मदर, जगदम्बा, जगत माता। ये नहीं कहा जाता भारत माता,
अगर ये कहा होता तो अव्यक्त वाणी में ये नहीं कहते कि भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। माना भारत माता अलग और जगत माता अलग, लक्ष्मी को कहेंगे भारत माता और जगदम्बा को कहेंगे जगत माता। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं और जगदम्बा से सर्व मनोकामनाएं की पूर्ति होती है, तो कौन श्रेष्ठ हुआ है? जगदम्बा श्रेष्ठ हुई जो ज्ञान धन देती है, जिस ज्ञान से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है वो श्रेष्ठ नहीं है। जो ज्ञान सिर्फ शिव बाबा के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता, लक्ष्मी को कौन देता है? अरे लक्ष्मी कहाँ से धन लाती है? नारायण से लाती है। नारायण में कौन आता है? शिव बाबा आता है। तो शिव बाबा की जो देन की चीज है उसकी कोई वैल्यू नहीं, और जगदम्बा जो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आज की दुनिया में लोग कैसी कैसी मनोकामनाएं करते हैं, सन्यासी तो सीधा ही गौमुख में हाथ डाल देंगे, ऊपर से रटेंगे राम राम राम, और अंदर से किसको याद करते हैं? गौमुख को याद करते हैं। तो उनकी भी इच्छा की पूर्ति कौन कर देती है? हैं? जगदम्बा। तो अच्छी बात है या खराब बात है? हैं? तो ठीक नहीं है। वो कुछ नहीं, राजा ही कर रही है। वो तो थोड़े से ब्रह्मा कुमार कुमारियां मुट्ठी भर निकले हैं दुनिया के अंदर, उनके ऊपर राजा ही कर रही है। अभी जगदम्बा तो सारे जगत के ऊपर राजा ही करेगी। राज करेगा खालसा, बाद में भले डूबीजा हो जाए, एक जो बाप सच्चा और बाकी सब झूठे हो जाए। और बस हो गया टाइम।